वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण और आज आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स अरुण स्टॉक में। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम की वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मेरे साथ जुड़े रहें और फटाफट से मुझे यहाँ पर इट्स अरुण स्टॉक यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो दबा के फॉलो कर लीजिए। तो फिर ये रही मेरी सारी पोस्ट। तो फिर मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी इमेज को सेव कर सकते हैं, किसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं इमेज का बताऊँगा। तो फिर ये देखिए, मेरा फेवरेट तो डोरेमोन है। तो फिर मैं इस इमेज को कैसे सेव करूँगा आप देखते जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डेवलपर मोड ऑन कर देना है। आपको ऐसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर दबाना है और आपका डेवलपर मोड खुल जाएगा। और यहाँ पर इसके डॉग साइज को नीचे कर दीजिए, ये ताकि आपको भी दिखे। अब देखते जाइए आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लीजिए और किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करिए जिस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है। मैंने तो सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपको जो ये मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इस पर क्लिक करते ही अगर आप एलिमेंट को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर देखिए ये यहीं पर रुक जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ढेर सारे देखिए एलिमेंट खुल गए। ये देखिए इमेज का यूआरएल भी मुझे मिल गया है। तो फिर आपको क्या करना है, इमेज के यूआरएल पे चले जाना है। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इमेज का सोर्स ढूंढना है। देखिए src, देखिए इस एलिमेंट में ये टैग है इमेज का और इसका एट्रीब्यूट alt है और इसका एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, यानी इसका सोर्स क्या है। तो फिर यहाँ पे देखिए सोर्स मिल गया मुझे और नीचे इमेज भी बनती आ रही है। तो फिर आपको सोर्स के नीचे से डबल क्लिक करना है और ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+C करके हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसी के साथ नए टैब पे खोलेंगे और Ctrl+V करेंगे। अब देखिए मुझे वो इमेज मिल जाएगी। अभी लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्लो है। ये देखिए इमेज तो मिल गई। आपको आपको क्या करना है, राइट क्लिक, जो भी नाम देना चाहते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए इमेज सेव हो गई। मैं एक और इमेज सेव करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर मैं चला जाता हूँ। ये एकदम इजी ट्रिक है, आप आराम से इसको करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये इसके ऊपर एक टैग मिलता है यही, और इसमें ही सारा वो रहता है। नीचे आएंगे और यहाँ पे सोर्स में, ये देखिए सोर्स, यहाँ पे सोर्स लिखा होता है src। इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे और Ctrl+C से फिर से कॉपी कर लेंगे या फिर ये देखिए गो टू https पे नहीं जाना और Ctrl+V फिर से कर देंगे। ये देखिए और यहाँ पे मुझे फिर से इमेज मिल गई। अब इसके बाद एक इमेज अगर मुझे सेव करनी हो तो फिर नीचे आते हैं। ये रही मेरी पिक रही यहाँ पे। यहाँ पे मैं फिर से एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे फिर से नीचे जाएंगे और सोर्स में आ जाएंगे। और सोर्स में आते ही आपको इमेज मिल जाएगी। ये देखिए सोर्स आप देख लीजिए, सोर्स लिखा हुआ है। डबल क्लिक, सारा क्लिक हो गया, सॉरी छोटी सी मिस्टेक है। सोर्स Ctrl+C Ctrl+V, ये देखिए आराम से आपको इमेज मिल गई और आप सेव कर सकते हैं। सेव, अब आप इमेज को ओपन करके देख लीजिए, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अब देखिए अब आप अगर आपको वीडियो सेव करना हो तो आप क्या करेंगे। तो वीडियो से पहले तो आपको चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। बहुत बोल लिया। अगर आपको इस वीडियो को सेव करना है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को प्ले कर दीजिए। वीडियो प्ले हो रहा है, हो रहा है, ये देखिए मैंने पॉज कर दिया। बस आपको क्या करना है कि इस पे जाना है, इंस्पेक्ट पे फिर से जाना है और यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करना है। आपको वीडियो का जो वो है टैग, आपको वीडियो का टैग ढूंढना है। यहाँ पे एक वीडियो टैग होता है, देखिए इसके ऊपर ये है, इस पे क्लिक किया, ये नहीं है, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ये मिल गया, इसके अंदर और देखिए वीडियो वीडियो टैग मिला और यहाँ पे एक सोर्स भी होगा। तो फिर ले रहा सोर्स, देखिए सोर्स हर एक एलिमेंट में जो कि इमेज या वीडियो हो उसका एक सोर्स होता है। तो फिर ये रहा इसका सोर्स। तो फिर सोर्स का लिंक कॉपी करेंगे हम लोग फिर से, मैंने लिंक कॉपी कर लिया और Ctrl+V कर देंगे यहाँ पे। और अब लोड हो रहा है, देखिए हो गया लोड और यहाँ पे आके डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट रिकॉर्ड,
अभी देखिए चल रहा है, चल डाउनलोड हो रहा है, तो फिर जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। डाउनलोड होने देते हैं और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और हाँ, अगर मैं आपको बताना भूल गया कि इसके वीडियोस सेक्शन में आपको कितनी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, CMD, इंटरनेट, सारी सबसे रिलेटेड रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टोटल 33 वीडियो है, मैं ये 34वीं अपलोड कर दूंगा। और ये देखिए पाई ऑडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैंने ये सब बताया हुआ है। और हाँ, आप एक वीडियो देखना ना भूले, पाई TTSX3 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो वीडियो मैंने शायद बनाया, ही रहा ये दूसरा है, क्योंकि पहला वाला लोग कह रहे थे काम नहीं कर रहा, तो फिर ये वाला भी देख लीजिएगा। और मेरी वीडियो डाउनलोड हो रही है, बस थोड़ा सा और डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, कोई भी गड़बड़ नहीं किया हूँ, आपके सामने जो मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई है देखते जाइए। ये देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के सारी नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियोस की पालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।